हाँ जी, फ्री फायर वालों कैसे हो? होप करता हूँ सारे बढ़िया हो गए। एंड कभी भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, लाइक 100+ वीडियो बना दी। कभी भी मैंने लाइक का एम नहीं रखा है किसी भी वीडियो में, बट इस वीडियो में मैं लाइक का एक एम रख रहा हूँ। कितना जानते हो? ओनली 75। ठीक है, सिर्फ 75 इस वीडियो पे लाइक का एम रख रहा हूँ। होप करता हूँ कि जितने भी फ्री फायर वाले लोग हैं करवा दोगे। बाकी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जो ये प्रोफाइल आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे प्रोफाइल रोटेशन के साथ घूमती थी, इस पर नाम लिखाता था और बाकी यहाँ पे एक चक्री घूमती रहती थी, बाकी ये लाइक इंक्रीज होता था। तो ये वाले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया। तो उसके कॉमेंट में मैंने देखा बहुत सारे प्रॉब्लम वाली कॉमेंट बहुत सारी थी। वैसे बहुत सारी नहीं थी बट थी, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस वीडियो को बनाने में, आपको भी उस वीडियो को बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो इस वीडियो को देख सकते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहली प्रॉब्लम। उस वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि पिक्सार्ट में वो जो नेम इरेज करने को जो मैंने बताया था ना, वो सही तरीके से लोग इरेज नहीं कर पा रहे, नेम को, लाइक को, और वहाँ जो लेवल लिखा था उसे भी इरेज नहीं कर पा रहे। तो उसे कैसे इरेज करेंगे? इसे करने के लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और वो है पिक्सालैब। बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में मौजूद है ये पिक्सालैब, ठीक है। तो इसे ओपन करो। ओपन करने के बाद इसे मैं फ़ोन को रोटेट कर दिया हूँ, ठीक है। रोटेशन आप लोग भी ऑन कर देना, बहुत ही सही रहेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। जैसे ही पिक्सालैब को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को पहले डिलीट करेंगे इस वाले डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके। बाकी यहाँ पे देख सकते हो 3 डॉट दिख रहा है, क्लिक करो यहाँ पे। क्लिक किया, देखो यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, ठीक है, इस वाले पे क्लिक कर दो। इस वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपका इमेज होगा उसे ले लो, पहले जो आपका प्रोफाइल होगा उसे ले लो, ठीक है। जो नेम वाला जो नेम वगैरह लिखा होता है, ठीक है, वो ले लो। अब इसमें हमें नेम को मिटाना है, कैसे मिटाएंगे? तो देखो सिंपल सा फंडा है इसका, यहाँ पे बीच में एक सर्कल जैसा बना हुआ है, मतलब सर्कल नहीं है बट वैसा ही है, ठीक है। इस वाले पे क्लिक करो। क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक सेप का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ना। इस वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो एक व्हाइट कलर का सेप आ गया। उस व्हाइट कलर को सेप को बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर लो अपने नाम की जगह पे, ठीक है। जहाँ जितना भी दूर में आपका नाम है एडजस्ट कर लो। इससे क्या कर सकते हो, आप रोटेट भी कर सकते हो, छोटा बड़ा जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो पहले एडजस्ट कर लो। अब ये मत देखो कि भाई कलर मैच नहीं कर रहा है, तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद अब देखो आते हैं कलर पे। देखो नीचे इधर की साइड स्लाइड करोगे तो कलर आपको दिख जाएगा। इस कलर वाले पे क्लिक करो, कलर वाले पे नहीं, देखो यहाँ पे प्लस का एक आइकन दिख रहा है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो। क्लिक किया, क्लिक करते ही देखो यहाँ पे सबसे ऊपर पेंसिल जैसा बना दिखेगा, मतलब पेन जो भी बोलो, सेलेक्टिव क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। इस वाले पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिख रहा है। अब प्रोफाइल पर बोल रहा है कि आप कौन सा कलर चूज करना चाहते हो। तो देखो नाम है ना, नाम जहाँ लिखा है जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर ले जाना, इसके ऊपर जैसे ही ले जाओगे वो कलर चूज कर लेगा। बाकी सही वाले आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे 3 कलर आपको देंगे, इसे डार्क ग्रीन, मतलब जो भी आप करना चाहते हो, थोड़ा डार्क थोड़ा व्हाइट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी सही वाले आइकन पे क्लिक कर दो, हो गया, समझ रहे हो ऐसे करना है, बहुत ही आसान था। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ये चीज़ कैसे करना है। बाकी ऐसे ही आप लेवल पे भी कर सकते हो और वहाँ जो लाइक लिखा हुआ उस पे भी, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या रही है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रीव्यू में तुमने शेक इफेक्ट वाला दिखाया था बट शेक इफेक्ट तुमने ऐड नहीं किया। तो एक्चुअली मैंने वो शेक इफेक्ट काइन मास्टर में ऐड किया था। तो काइन मास्टर को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद जो भी आपका वीडियो है उसे ले लो, जो वीडियो है, वीडियो ले लेने के बाद यहाँ पे कट कर दो। यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर दो, देखो कैंची वाला, जहाँ भी आपका बीट है ना, जहाँ भी सॉन्ग का बीट है वहाँ पे कट कर लो, कैंची वाले ऑप्शन पे जाके कट कर लिया। कट करने के बाद देखो यहाँ पे प्लस का आइकन आ गया, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दो। अगर आपका कोई और काइन मास्टर है तो वहाँ व्हाइट वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, तो उसी पे क्लिक कर दो। ये ट्रांजिशन का ऑप्शन होता है, जैसे क्लिक करोगे ट्रांजिशन ओपन हो जाएगा। ट्रांजिशन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे एक ट्रांजिशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ एसेट स्टोर में जाने के बाद। तो इसका नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है, इस ट्रांजिशन का नाम है एक्सेलरेशन। बहुत ज़्यादा मैं इसे यूज करता हूँ, बहुत सही है, ठीक है। तो इसे आप लगा सकते हो तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बस यही था। थर्ड नंबर बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम सारे लोगों को देखने को मिल रहा है कि उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे भी नहीं बढ़ रहे हैं। 600 होने में सिर्फ 20 बाकी है, बाकी आप लोग आते ही नहीं हो वहाँ पे, और आते भी हो तो सिर्फ मैसेज करके चले जाते हो। देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी रिक्वेस्ट पड़ी है और उसमें सिर्फ यही है कि भाई मेरी प्रोफाइल वाली एडिट कर दो, मेरी 3D प्रोफाइल वाली एडिट कर दो। भाई देखो 20 से 25 बहुत सारी यहाँ पे 20 से भी ज़्यादा हैं, उसमें बहुत सारी मैसेज आई हैं और उस मैसेज में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि एडिट कर दो। अब भाई सबका लेके मैं बैठूँ एडिट करने के लिए तो समझ रहे हो क्या होगा, ठीक है। तो मैं नहीं कर सकता ब्रो, बहुत सारे हैं। अगर रिप्लाई भी नहीं करूँगा तो आप लोग कहोगे कि भाई
एटीट्यूड है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है भाई। मैसेज मत करो, ट्यूटोरियल दे दिया है, देखो और करो बाकी। और जाते जाते एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जो भी चीज़ें देखते हो, जैसे कि नया नया ट्यूटोरियल, नया नया जो ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, उस वाले वीडियो को क्या करना कि मेरे पे सेंड कर देना या मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो उस वाले पे मैं ट्यूटोरियल ला दूंगा, आप लोगों को सेंड करके मैसेज कर सकते हो कि भाई इस पे ट्यूटोरियल चाहिए, मैं उस वीडियो पे ट्यूटोरियल ला दूंगा। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इतना लाइक करवा देना, फ्री फायर बोले, उम्मीद करता हूँ कि करवा दोगे, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद, बाय बाय।